हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं हनी। आई होप आप सब बढ़िया होंगे जैसे मैं बढ़िया हूं। आज की इस वीडियो के अंदर हम अपने वीवो के डिवाइस के अंदर Y12 के अंदर, आपके पास कोई सा डिवाइस है सभी के अंदर ये थीम वर्क करने वाली है। चाहे छोटे से छोटा डिवाइस है, बड़े से बड़ा डिवाइस है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। इस थीम के अंदर भाई कलर स्टाइल आपको मिलने वाला है, काफी यूनिक फीचर्स मिलने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, किस तरह से इंस्टॉल किया, इंस्टॉलिंग प्रोसेस ऑलरेडी आपको पता ही है। तो चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं इस थीम। तो फ्रेंड्स, आज की जो थीम होने वाली है अपने वीवो Y12 मोबाइल के लिए, वो काफी लेटेस्ट होने वाली है। इसके अंदर भाई काफी अच्छे फीचर्स आपको मिल जाएंगे। और भाई बैकग्राउंड का वॉलपेपर अगर की बात करूं, आपको काफी अलग सा मिलने वाला है। भाई ये जो थीम है वो काफी अच्छी लगने वाली है आपके डिवाइस के लिए। तो काफी न्यू थीम आज आपके लिए मैं लेकर आया हूँ। आई होप ये थीम आपने पहले नहीं देखी होगी। तो सबसे पहले मैं इसकी आपको आइकन पैक की लुक एक बार दिखा देता हूँ। थोड़ा सा ध्यान से अगर आप एक बार चेकआउट करो तो काफी यूनिक आइकन पैक्स आपको मिलने वाले हैं। मतलब भाई यहाँ पर आपको दिखाना चाहूँ, यहाँ पर जो आपको यहाँ पर आपका डायलर पैड मिलता है, और यहाँ पर जो आपको वीवो का ब्राउजर मिलता है, एंड देन यहाँ पर आपको जो कैमरा मिलता है, सारे आइकन पैक्स की जितनी भी है भाई एक यूनिक शेप कर दी गई है। काफी अच्छा ब्लूलिश आइकन पैक आपको मिलता है इस थीम के अंदर। काफी लेटेस्ट थीम है फ्रेंड्स, आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो। इंस्टॉल प्रोसेस काफी सिंपल है और काफी लाइट थीम है। मतलब 5 या 6 MB के आसपास ये थीम होगी। बहुत ही गजब की थीम होने वाली है। तो चलिए फ्रेंड्स आज की इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले जो मेन बात आती है यहां पर, चलिए मैं आपको एक बार दिखाना चाहता हूं। यहां पर मैं लॉक स्क्रीन को लॉक करता हूं, एंड देन डिवाइस को करता हूं ऑन। तो जो लॉक स्क्रीन आपको मिलने वाली है वो काफी यूनिक मिलने वाली है। इसके अंदर आपको मिलता क्या है फ्रेंड्स, आपको थोड़ा सा पास से दिखाना चाहूंगा। जस्ट अवेट फ्रेंड्स, यहां पर आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ आपको एक टाइम का आइकन मिल जाता है, साइड में आपको डेट मिल जाती है, और यहां पर आपको बैटरी, फोन बैटरी कितनी है आपकी वो मिलती है। एक तरह से आपके की एनिमेशन ही है। यहां पर कैमरा, यहां पर वॉलपेपर्स वगैरह, यहां पर फोन आईडी, फेसबुक वगैरह, कॉन्टेक्ट वगैरह, जितने भी आपके फीचर्स हैं लॉक स्क्रीन पर एड किए गए हैं एक यूनिक तरीके से। अब इसके अंदर भी आपको एक चार्जिंग एनिमेशन मिलता है काफी अच्छा सा। तो चलिए मैं एक बार आपको मैं वो दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर चलिए मैं यहाँ पर डिवाइस को चार्जिंग लगाता हूँ। यहाँ पर जस्ट फ्रेंड के सामने यहाँ पर मैं चार्जिंग लगाना चाहूंगा। जस्ट अवेट, ये मैंने डिवाइस को लगाया चार्ज। तो फ्रेंड्स अब आप देख सकते हैं इसके अंदर एक आपको प्यारा सा एनिमेशन मिलता है चार्जिंग का, कितने परसेंट आपकी बैटरी चार्ज हुई है वो आपको ब्लिंकिंग मिलेगी। जस्ट अवेट फ्रेंड, वो ब्लिंकिंग मिल रही है, आप देख सकते हैं 52% अभी हमारी जो बैटरी है वो चार्ज है। तो आपको यहाँ पर 52% दिख रही है चार्ज होती हुई। भाई काफी अच्छा एक यूनिक सा फीचर्स इसके अंदर ऐड किया गया है। बाकी यहाँ से अगर ये सारे फंक्शन ही वर्केबल है, जैसे आप मैं टैप करता हूँ भाई, यहाँ पर मैं गैलरी पर टैप करूंगा, तो पहले आपको अपने डिवाइस अगर लॉक है तो लॉक को अनलॉक करना पड़ेगा, एंड देन सीधा आप गैलरी में चले जाएंगे। मतलब थीम की जो क्वालिटी है काफी अच्छी है और स्मूथनेस में काफी फर्क है। मतलब काफी लेटेस्ट स्मूथनेस है, कोई एरर शो नहीं होता, काफी स्मूथनेस है, लैगी नहीं है। एक थीम, कोई थीम क्या होता है फ्रेंड्स, वो लैगी हो जाती है, काफी लैग करती है। यहाँ पर जो भाई इसका ये कंट्रोल सेंटर है, एक्चुअली इन थीम्स के अंदर ये वाला चेंज नहीं होता, इसके अंदर कलरिंग वगैरह चेंज हो जाती है। देख सकते हैं यहाँ पर आइकन पैक्स की हल्की सी आपको शेप चेंज मिलने वाली है, ज्यादा फर्क नहीं है, हल्का सा चेंज है, ब्लूलिश है हल्का सा, मतलब हल्का सा फर्क है आइकन पैक्स वगैरह में। बाकी काफी स्मूथनेस है आप देख सकते हैं। बाकी और क्या नया है इस थीम के अंदर, यहाँ पर आइकन पैक्स वगैरह की शेप आप देख सकते हैं काफी लेटेस्ट है। और थोड़ा सा पास की अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ बैटरी, अगर आप ऊपर की तरफ देखो कि कलरफुल बैटरी मिलने वाली है। बाकी फ्रेंड यहाँ पर आइकन पैक की शेप आप देख सकते हैं कलरफुल आपको मिलने वाली है। थोड़ा सा मैं यहाँ पे लॉक डिवाइस को अनलॉक करता हूँ, फिर आपको ध्यान से दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देखते हैं कलरफुल आइकन पैक्स की शेप आपको मिलने वाली है। इसके अंदर जितने भी कलर्स है, काफी 3-4 कलर्स आपको मिल जाएंगे, वो काफी एक यूनिक सा फीचर इसके अंदर ऐड किया गया है। कलरफुल आइकन पैक बैटरी भाई ये काफी अच्छा फीचर है। बाकी भाई थीम ओवरऑल काफी अच्छी है, स्मूथनेस पे काफी अच्छी, काफी लाइट वेट थीम है, ज्यादा हैवी थीम नहीं है, मतलब 3-4 MB की थीम है। आई होप ये थीम आपको काफी अच्छी लगेगी। इसकी फाइल मैं टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करूंगा, एक छोटी सी फाइल है 4 या 5 MB की, उसको जस्ट आपको MTZ मैनेजर से, आपको पता ही है DWD फोल्डर के अंदर आपको ऐड करना है। थोड़ा सा मैं दिखाना चाहूंगा फ्रेंड्स, यहाँ पर टी फोल्डर में मैं चलता हूँ। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कलर स्टाइल मिस्टर हनी ITZ कुछ इस तरह से मिलेगी। बाकी मैं एक चीज कंफर्म करा देता हूँ, जैसे ही मैं इस पर टैप करता हूँ, यहाँ पे जिप व्यूअर करूंगा ना फ्रेंड्स, तो आपको नीचे वीवो का फोल्डर अगर नहीं मिलता तो कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको एक बार जिप व्यूअर करना है इंस्टॉल करते टाइम, एंड देन बैक करना है बस, फिर आपको वीवो का फोल्डर मिले या ना मिले वो कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड्स। आपकी थीम सीधी जो थीम है आपकी यहाँ पर आपकी अवेलेबल हो जाएगी, लोकल में चलोगे
तो आपको यहां पर देख सकते हैं, यहां पर आपको जो थीम है आपकी मिल जाएगी, ये थीम आपको यहां पर अवेलेबल हो जाएगी, कोई इशू नहीं है। आई होप ये थीम आपको काफी अच्छी लगी होगी गाइज। अगर अच्छी लगती है तो चैनल को एक सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कीजिए लाइक। आपने काफी ज्यादा सपोर्ट किया मेरे 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का जो वॉच टाइम क्राइटेरिया है वो कंप्लीट हो चुका है फ्रेंड्स। अभी कुछ दिनों के बाद मैं चैनल को मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करूंगा, तो उसकी वीडियो भी आपको मैं जरूर से दूंगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।